पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने मोहम्मद रफीक नामक शख्स को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने 1998 कोयंबटूर ब्लास्ट केस में दोषी रहे मोहम्मद रफीक को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी पर तमिलनाडु के बिजनेसमैन प्रकाश नाम के शख्स के साथ टेलीफोन पर बातचीत में पीएम मोदी को मारने की साजिश रचने का आरोप है। कोयंबटूर पुलिस ने ऐसे वक्त में रफीक को गिरफ्तार किया है जब एक टेलीफोनिक बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में कथित तौर पर सुना जा सकता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की योजना बना रहा है। पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने वाले ऑडियो वायरल होने के बाद उन्होंने 1998 ब्लास्ट केस में अपनी सजा काट चुके मोहम्मद रफीक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 1998 कोयंबटूर ब्लास्ट केस में रफीक दोषी है और उसने अपनी सजा भी पूरी कर ली है। सूचना के अधिकार के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा गया है कि पीएमओ मोदी के 15 लाख रुपए देने के वादे की तारीख क्या है और सवाल के जवाब में पीएमओ ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत सवाल नहीं आने की बात कही। जवाब नहीं दिया जा सकता और ये जानकारी मोहन कुमार शर्मा नाम के शख्स ने 26 नवंबर 2016 को मांगी थी और ये सवाल नोटबंदी के बाद 18 दिन बाद किया गया था। दरअसल मोहन कुमार शर्मा ने मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर के समक्ष शिकायत की थी कि पीएमओ की ओर से आरबीआई उन्हें पूरी सूचना उपलब्ध नहीं करा रहा और सीआईसी माथुर ने बताया कि पीएमओ की ओर से आवेदकर्ता को ये जानकारी दी गई कि उनका सवाल सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता है। पूरी सुनवाई के बाद सीआईसी ने निर्णय लिया कि जवाब देने वाले दोनों पक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम उपयुक्त हैं। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब विदेशों से कालाधन वापस आएगा तब प्रत्येक नागरिक को 15 लाख रुपए मिलेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सालाना पर्व में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के दाग लगे होने की बात कही है और एएमयू के डॉक्टर बीआर अंबेडकर हॉल में आयोजित समारोह में कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने छात्रों से सीधे संवाद किए। एएमयू के निलंबित छात्र आमिर मिंटोई ने खुर्शीद से पूछा कि 1948 में एएमयू एक्ट में पहले संशोधन 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसमें मुस्लिम दलितों से SC/ST आरक्षण का हक छीना गया इसके बाद हाशिमपुरा मलियाना मेरठ मुजफ्फरनगर मुरादाबाद भागलपुर अलीगढ़ आदि में मुसलमानों के नरसंहार हुआ। आमिर मिंटोई ने इन सारी घटनाओं को बताते हुए खुर्शीद से पूछा कि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के जो धब्बे हैं इन धब्बों को आप किन अल्फाजों से धोना चाहेंगे और सवाल के जवाब में खुर्शीद ने कहा कि मैं कांग्रेस का नेता हूं इस नाते मुसलमानों के खून के ये धब्बे मेरे अपने दामन पर भी हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल ने संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत के दौरान कहा कि हम बीजेपी और आरएसएस के उस संविधान के साथ छेड़छाड़ करने उसे बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। हम बीजेपी को संविधान को छूना तक नहीं देंगे। सभा में मोदी मुर्दाबाद के नारे लगते देख राहुल गांधी ने बीच में टोकते हुए कहा कि हम कांग्रेस वाले किसी के बारे में मुर्दाबाद नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब हर कोई जान गया है कि पीएम मोदी के दिल में दलितों महिलाओं कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कहना है कि देश के दक्षिणी और पश्चिम राज्य तो तेजी से विकास कर रहे हैं लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की वजह से देश पिछड़ रहा है। सोमवार को दिल्ली के जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अब्दुल गफ्फार खान पर आयोजित पहले मेमोरियल लेक्चर पर उन्होंने ये बातें कही। उनका कहना है कि पूर्वी भारत के राज्य खासकर बिहार उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये पिछड़ापन सामाजिक स्तर पर ज्यादा नजर आता है। एक तरफ हमने इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कई पायदान ऊपर चढ़े हैं तो मानव विकास सूचकांक में अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं। 188 देशों की सूची में हमारा नंबर 131 पर है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार पर शब्दों का बाण छोड़ा है जिसमें नालों की सफाई को लेकर आरोप लगाया गया है कि नाले दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं और इन नालों की सफाई नहीं कराई जा रही है जिससे बीमारियों में इजाफा हो रहा है। दिल्ली सरकार ने इन नालों की सफाई का ठेका देने का काम भी शुरू नहीं किया है। इन प्रमुख नालों में नजफगढ़ ड्रेन, कालिंदी कुंज ड्रेन, वारापुला नाला, बवाना एसके ड्रेन, बुराड़ी चौक ड्रेन, मंगेशपुर ड्रेन जैसे प्रमुख नाले शामिल हैं जिसमें अब्दुल फजल एनक्लेव, जाकिर नगर जैसी प्रमुख कॉलोनियां बसी हुई हैं जहां मच्छरों का प्रकोप है।
राजधानी में सीलिंग एक बार फिर से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तरफ चल पड़ी है। कई दिनों से स्टिल्ड पार्किंग एरिया में सीलिंग कर रही एमसीडी की टीम ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सील की मोहर लगाई। साउथ एमसीडी ने जहां 13 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित 29 संपत्तियों को सील किया, वहीं नॉर्थ एमसीडी की टीम ने 9 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित 15 संपत्तियों पर सीलिंग की मोहर लगा दी है। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान कारोबारियों ने जमकर विरोध किया और हालांकि पुलिस बल होने के कारण हालात काबू में रहे और साउथ एमसीडी के वेस्ट जोन की टीम ने राजौरी गार्डन के ए ब्लॉक में सीलिंग की कार्रवाई शुरू की। साउथ एमसीडी के जेएसपी गर्ग ने बताया कि ये व्यापारी हैं जिन्होंने कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग शुल्क जमा नहीं किया है। साउथ दिल्ली के गुलमोहर एनक्लेव में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। महिला को लोहे के डंबल से मारा गया। शुरुआती जांच में लूट के इरादे से आए बदमाशों की करतूत नजर आ रही है। गुलमोहर एनक्लेव के फ्लैट नंबर 166 में इस वारदात को अंजाम दिया गया। सोमवार शाम करीब 5 बजे महिला के पति ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि बुजुर्ग महिला की लाश ड्राइंग रूम में पड़ी थी और घर का सामान भी बिखरा हुआ था। वहीं पुलिस शुरुआती जांच में जुट गई है और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। भारतीय सेना ने राजौरी और पुंछ में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 पाकिस्तानी रेंजर्स को ढेर कर दिया है और 3 पाकिस्तानी बंकर को तबाह कर दिया है। इस दौरान गोलीबारी में 20 पाकिस्तानी नागरिकों के जख्मी होने की खबर भी आई है और सुंदरबनी में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बट्टल इलाके के देवा गाँव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 सैनिक मारे गए और 10 से ज्यादा आम नागरिक जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान ने लगातार 3 दिन सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारतीय सेना ने सोमवार को जवाबी कार्रवाई की है। इससे पहले दोनों सेनाओं के बीच शनिवार को पुंछ जिले के केरनी सेक्टर में भारी गोलीबारी हुई थी। कठुआ उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं के बाद मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और ताजा मामला यूपी के ग्रेटर नोएडा कोतवाली क्षेत्र में 11वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पूरी घटना 18 अप्रैल की है जब जाकर मामले का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपित युवक 11 घंटे तक छात्रा को बंधक बनाकर घुमाते रहे और देर रात छात्रा को नॉलेज पार्क में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक एक युवक छात्रा का सहपाठी है और जबकि अन्य उसके दोस्त हैं। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। शहर में स्थित एक सोसाइटी में रहने वाली छात्रा ग्रेटर नोएडा में स्थित एक स्कूल में पढ़ती थी और बीते 18 अप्रैल को उसकी स्कूल बस छूट गई थी। वो पैदल ही स्कूल से घर जा रही थी। रास्ते में कार सवार 3 युवकों ने घर छोड़ने की बात कहकर उसे कार में बैठा लिया। पूर्वी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के पास आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया, जिसमें लोगों के आशियाने भी जलकर खाक हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे विधायक सरिता सिंह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। लोगों का कहना है कि आग लगने के घंटों बाद प्रशासन की नींद जागी और मौके पर पहुंचे, जिससे देर होने की वजह से लोगों को आर्थिक क्षति हुई। गाजीपुर लैंडफिल साइट का हल निगम को मिल चुका है और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को डीडीए ने कचरा डालने के लिए सोनिया विहार में 88 एकड़ जमीन और गोंडा गुजरान में 44 एकड़ के आसपास जमीन देने का ऐलान किया है। पूर्वी दिल्ली की मेयर नीमा भगत का कहना है कि गाजीपुर लैंडफिल पर लगातार कचरे का बोझ बढ़ता जा रहा था और वहां हादसा भी हो चुका था। अब नई जमीन मिलने से गाजीपुर लैंडफिल पर कचरा नहीं डाला जाएगा। मेयर का कहना है कि जल्द ही इन दोनों जगहों पर कचरा डाला जाएगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम और विवादों का नाता नहीं छूट रहा। ताजा मामला पार्किंग विवाद का है, जो कि टेंडर को लेकर हुआ। सोमवार को कई पार्किंग टेंडर की घोषणा की गई, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने सवाल खड़े किए। लोगों का कहना है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कराए थे, उनमें से कई डॉक्यूमेंट गायब हो चुके हैं। वहीं उन्होंने ब्लैक लिस्ट लोगों को टेंडर देने का आरोप भी लगाया है। वहीं लोगों के आरोपों पर निगम में डिप्टी मेयर विपिन बिहारी ने कहा कि आरोपों पर जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में एक कलयुगी दामाद ने ससुर के चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी दामाद फरार हो गया है और हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। मृतक के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की शादी के बाद से ही आरोपी बेटी के साथ मारपीट करता था और कई बार समझाने के बाद भी वो नहीं माना और आरोपी की पुलिस में शिकायत करने के बाद ही उसने नाराज होकर बदला लेने के लिए ससुर की हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा है और जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में पराठे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारामारी हुई और देखते ही देखते वो लोग हथियारों से लड़ने लगे और एक दूसरे को चाकू और ब्लेड से लहूलुहान कर दिया। विवाद में युवक के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए हैं। घटना त्रिलोकपुरी 15 ब्लॉक के चौक पर हुई है।
कल्याणपुरी पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट, नुकीली चीज से हमला करने और आपराधिक इरादे से रास्ता रोकने और साथ ही जान से मारने की धमकी देने के दफाओं में केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार एक शिकायतकर्ता का नाम हातिम मलिक है, जो कि एक दुकान पर पराठे खा रहा था और एक दोस्त ने पराठा तोड़कर खा लिया, जिसके बाद विवाद हो गया। गीता कॉलोनी के सफेदा झुग्गी में बनी सत्संग भवन के पास कचरे का ढेर लग चुका है और लोगों का आरोप है कि यहाँ कोई ढलाव घर नहीं था और कुछ लोगों ने खुले में कचरा डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यहाँ कचरे का ढेर लग गया, जिससे लोगों को अब यहाँ रहने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि निगम को मामले की शिकायतें भी की जा चुकी हैं और जिसके बाद निगम ने वहां पर ढलाव घर बनवा दिया है और वहां खुले में पड़े कचरे को उठाने के लिए भी ट्रकों को लगा दिया गया है। लोगों ने निगम द्वारा बनाए गए ढलाव घर पर खुशी जाहिर की है और मांग की है कि जो खुले में कचरा डाले उस पर कार्रवाई की जाए। कृष्णानगर के लाल क्वार्टर में लोगों को सड़क पर सीवर का गंदा पानी आने से काफी परेशान होना पड़ रहा है और साथ ही सड़कों ने तालाब का रूप धारण कर लिया है, जिससे आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। मामले पर इलाके के विधायक ने जल्दी ही सब ठीक कराने का आश्वासन दे दिया है। कोई सीवर की प्रॉब्लम नहीं है, ये EDMC का काम है, ये काम नहीं करते बिल्कुल भी, ना एरिया में घूमते हैं, ये पार्षद कर क्या रहे हैं, लोग इतने परेशान हैं। एक हफ्ते से मैं सुन रहा हूँ, मेरे को इतनी कमी, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर कृष्णनगर में लाल क्वार्टर पे और देख कर आया हूँ मैं वहाँ पर, तो पानी सारा नालियों का पानी है, नालियों की बिल्कुल ना सफाई होती है, ना ही उसके ऊपर ये मशीनें लगाते हैं, ना सक करते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हुए यूनियन चुनाव में RB ऊंटवाल को जीत हासिल हुई थी, जिसके बाद जीत की बधाई देने के लिए CM केजरीवाल ने RB ऊंटवाल को बुलाया था और नेता का कहना है कि CM से उनकी मुलाकात काफी अच्छी रही और CM को वो अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंप कर आए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि मांगों पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आश्वासन भी दे दिया है और हमारी तरफ से जो ज्ञापन दिया था अपनी मांग डिमांड को लेकर, उन्होंने कह दिया है कि इन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और एक बॉडी का गठन किया जाएगा जिसमें प्रत्येक महीने वहाँ बैठक का चर्चा का। किंग्स इलेवन पंजाब ने सोमवार को बेहद रोमांचक मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स को 4 रन से हराया और IPL 2018 के 22वें मैच में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 139 रन ही बना सकी। दिल्ली की जीत के लिए अंतिम गेंद पर 5 रन की दरकरार थी, लेकिन श्रेयस अय्यर अंतिम गेंद पर छक्का नहीं जमा सके और मुजीब रहमान की गेंद पर डीप कवर्स में फिंच को कैच थमा बैठे। वैसे ही मैच गेंदबाजों के नाम रहा और मैच में कुल 16 विकेट गिरे। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह ने अपने संन्यास को लेकर अहम बयान दिया है। हालांकि युवराज ने अपने संन्यास को लेकर तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो 2019 के बाद अपने करियर को लेकर फैसला करेंगे। किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाज युवराज सिंह ने कहा, मैं उस साल के आखिर में फैसला करूंगा, हर किसी को कभी ना कभी ये फैसला लेना पड़ता है। मैं साल 2000 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहा हूं और करीब 17-18 साल हो गए हैं, इसलिए मैं अब 2019 के आखिरी में जरूर फैसला करूंगा। मौजूदा समय में युवराज सिंह IPL में किंग्स इलेवन पंजाब टीम का हिस्सा है। टीम इंडिया का ये वर्ल्ड कप हीरो मौजूदा समय में पल्ले से वैसे प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए वो जाना जाता है। IPL 2018 के अपने 5 मैचों में उन्होंने कुल 32 रन बनाए हैं, जबकि अब उनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय क्रिकेटर्स के बीच अफेयर्स और शादी के तो कई किस्से हैं और इन्हीं में से एक जोड़ी है हार्दिक पांड्या और अलीब्राम की। कई बार पार्टी में और एक साथ घूमते हुए हार्दिक और साथ ही अलीब्राम की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे के रिलेशन को कंफर्म नहीं किया था, ना ही दिनाया था। ऐसे में हार्दिक का नाम दूसरी अभिनेत्री से जुड़ता नजर आ रहा है और जिससे फैंस काफी शॉक्ड हो चुके हैं। अब खबर आ रही है कि हार्दिक बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को डेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उर्वशी ने पार्टी की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उनके साथ हार्दिक पांड्या और उनके भाई कुणाल पांड्या नजर आ रहे हैं। तस्वीर को पोस्ट करते हुए उर्वशी ने खूबसूरत सा कैप्शन भी दिया है और उन्होंने लिखा है, भाई के प्यार जैसा दुनिया में कोई प्यार नहीं, यश रौतेला मुझे तुम्हारी याद आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने इस पोस्ट में हार्दिक पांड्या को टैग करते हुए IPL के लिए शुभकामनाएं भी दी। चेक बाउंस केस में दोषी अभिनेता राजपाल यादव पर कड़कड़ुमा कोर्ट ने 1.7 करोड़ रुपए प्रति मामला जुर्माना लगाया है। 6 महीने कैद की सजा सुनाई है और अदालत ने राजपाल यादव की पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपए प्रति केस जुर्माना लगाया है। दोनों को चेक बाउंस के साथ मामलों में ये सजा सुनाई गई है। हालांकि सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। मामले में राजपाल यादव ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं और हायर कोर्ट में अपील करूंगा। कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को कर्ज के मामले में दोषी पाया था और आज सजा का ऐलान किया गया है।